Hi guys, namaskar. Kamma gani, vare chua, because obviously we are in Srinagar, Kashmir. Namaskar sir. Namaskar sir. So, aaj hum aaye hain Sheraton, 4 points by Sheraton. Ye Dal Lake se kareeb 2 km hai. Actually, pehle hum gaye the RK Sarovar. यहाँ एक्चुअली सरोवर भी दो है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. सरोवर जो एयरपोर्ट के पास है वो काफ़ी अच्छा है सुडन, पर जहाँ हम गए थे आर के सरोवर, यार इतनी पतली सी सड़क थी, थार भी मुश्किल से जा पाई, और एक्चुअली बहुत डरावना और क्राउड भी ऐसे अजीब था. हॉस्पिटैलिटी तो गंदी थी, सिक्योरिटी ना ही एक गेट के पास है ना ही एक अंदर, तो इतनी पतली सी सड़क से जान. एनीवे, दिस रिव्यू इज़ अबाउट 4 points बाय शेरेटन. सो वहाँ से था खार के, दिस वॉज आर सेकेंड चॉइस. तो यहाँ हम बूफे के लिए आए, लेट्स सी हाउ द बूफे इज़. अब मैं दिखाऊँगा व्हाट ऑल दे हैव इन द बूफे. प्राइस एंड लोकेशन विल बी एट द एंड एज ऑलवेज. सो स्टार्टर्स में दे हैव वेजिटेबल लुंगफुंग सूप, देन दे हैव फ्यूसली पास्ता, दम अरबी, हाक साग, पनीर जाल फ्रीजी, दाल मखनी, स्टीम्ड राइस, शेजवान फ्राइड राइस, थाई ग्रीन करी, एग शोका, गोवन फिश करी, मटन वाजा कुकुर, चिकन इन होसन सॉस. इन डेजर्ट्स दे हैव फ्रूट कस्टर्ड, रसगुल्ला एंड सूजी का हलवा. विद दिस हियर दे हैव सम सैलड्स विद गोल गप्पे एंड तंदूरी सब्स with peri peri chicken. These are the starters, and they have some ice creams with 4 flavors, I guess. And here they have some leafy salads and papad achar and some more salads. And you can have your own coffee as well. और यहाँ दिव्या मैडम बैठी है, इनका खुद का व्लॉग भी चल रहा है, तो हम गरीबों के व्लॉग में इस बार दिव्या मैडम भी आएगी. So here they have a live counter also. For today they have dahi bhalla. तो खा के हो गया है, मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना disappointing खाना था. कुछ मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं था खाने में, पता नहीं. दाल मखनी तो क्या थी, मीठी थी, क्या मसाले. लाइव काउंटर में दही भल्ला रखा, कॉफ़ी क्या बोलो, इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ. एक्चुअली पता है यहाँ जो खाना था ना, इससे सच में दिव्या घर पे खाना बनाती है. मतलब दूध कैसा था खाना, इतना गंदा खाना. मतलब अनएक्सपेक्टेडली शेरेटन है यार, 4 points पर. स्टाफ को कुछ लेना देना नहीं, कहाँ अपने धुन में. पेमेंट करने गए तो उनकी कार्ड मशीन मतलब रेस्टोरेंट में नहीं है, मेन काउंटर पे जाना है उनको लेने. एक काउंटर पे तो मेरे पैर पे चढ़ गया, इतनी कम जगह. और सॉरी भी नहीं बोला, अजीब सा ऐसे ही था. खाना तो डेजर्ट में 4 चीज़ें थी, कस्टर्ड वो बहुत गंदा था, रसगुल्ला पता नहीं बहुत गंदा, सूजी का हलवा तो और ही गंदा, और आइसक्रीम अच्छी थी, क्योंकि वो बाहर की थी, खुद
आइसक्रीम अच्छी थी। मैं स्टार्टर्स में ना कुछ वेज दो स्टार्टर्स थे, मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेबल बेक्ड तंदूरी समथिंग, उसमें कुछ भी नहीं थे, कुछ तो पत्ते रखे थे मतलब सब। नहीं ऐसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली हमें लेट हो गया था इसीलिए हमें जिस रेस्टोरेंट बाद में हमने सोचा था खाना देखते कि क्या करें जाएं कि नहीं, तो फिर सोचा बहुत लेट हो गया वो तब तक बंद हो जाता इसलिए हमने यहाँ सोचा कि खा लेते हैं। फोर पॉइंट्स था और मतलब तुम फोर पॉइंट पर शेरेटन में एक्सपेक्ट करोगे ना कि अच्छा ही होगा, क्योंकि हम और भी फोर पॉइंट्स में गए और ये भी नहीं कि हमें मेन्यू देख के ऐसे लगा कि नहीं, मेन्यू वाज डिसेंट पर जो खाना था ना क्वालिटी मतलब आइटम्स थे, आप अगर जैसे मेरे इसमें देखोगे आइटम्स काफ़ी सारे थे, खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं, पता नहीं क्या खाना बनाया यार, अजीब ही खाना था। देखो मैं पूरा बताता हूँ, स्टार्टर्स में तो वो बकवास ही थे, सूप भी गंदा था यार, सूप में क्या कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेन कोर्स में पनीर ज़ाफ़रानी कुछ तो जो है। I guess this would be the first food review vlog in on his channel, जिसमें ये बोलेगा नहीं कि the food was amazing. सच में बहुत ही गंदा था मतलब, और the price of the buffet is 1350 plus taxes. Seriously? हाँ 1600 रुपए per head मतलब 3200 दोनों का, और location is डल लेक के पास एक मतलब डल लेक से काफ़ी पास है, 5 मिनट की देरी पे ललित के यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो आप फोर पॉइंट में शेरेटन एक ही है तो आप गूगल में डालोगे तो आ ही जाएगा। बट आई वुड से वर्स्ट फूड, वर्स्ट सर्विस, हॉस्पिटैलिटी वाज बैड। बस एक स्टार्टिंग में जब हम आए यहाँ तब उन्होंने बस जब टेबल एक हमने दिया था तो रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छे से रिजर्व उन्होंने ला के रखा था, जैसे हमने बोला कि ये टेबल चाहिए तो ठीक ही है, बट टेस्ट खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं है यार मतलब, पता नहीं कौन शेफ है सच में। दीव घर पे अच्छा खाना बनाते हैं, डेजर्ट्स बकवास थे, मेन कोर्स बकवास था, बटर गार्लिक नान बोला था वो पापड़ जैसा था, गार्लिक था ही नहीं उसमें, और राइस भी गंदा था, राइस कैसे गंदा था पता नहीं, अजीब से ग्रेनी टेक्सचर था, बहुत अजीब सा टेक्सचर, कोई नहीं। एनीवेज ऑल इन ऑल अगर आप श्रीनगर में हो और आपको बुफे ट्राई करना है तो फोर पॉइंट बाय शेरेटन गलती से भी मत, एक्चुअली हमने जाना था श्रीनगर में, यहाँ लोकल फूड। हाँ 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 ट्रू आई अग्री, सुबह से हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया, हम अधूस करके कोई फेमस जगह वहाँ जाने वाले थे पर वहाँ गए नहीं, हमें लेट हो गया एक्चुअली, हम इसके बाद वहाँ जा सकते थे पर हमने सोचा कि जब तक आप पहुँचेंगे तो मतलब आज की इवनिंग थोड़ी लेट भी निकले इसलिए गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो आरके क्या आरके पोर्टिको सर होगा, वो भी गंदा था, ये भी गंदा था, और बाकी की बात सुननी चाहिए, पहले ही बोला था चलते हैं, इसने आज वैसे नहीं बोला जैसे हमेशा ठोक के बोलती है यहाँ जाना ही जाना है तो वहाँ में चल जाएगा, बिकॉज इट्स जो अदूस है ना दैट इज़ फेमस इन वाजवान, तो मुझे लगा ये वेजिटेरियन आई डोंट नो मे बी जो ये बोलेगा वो देखते हैं, इफ कुछ भी नहीं मिला देन वील गो टू अदूस, क्योंकि वहाँ वेज में बहुत कम ऑप्शन, बट इतना गंदा है तो अभी मैं तो उसको पूरी रात ही सुनाने वाली कि अदूस ही जाना चाहिए। चलो एनी वे थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आज मैं सुन लेता हूँ थोड़े पहने, कल ले जा रहा हूँ इसको कहाँ जा रहा हूँ, नहीं यार वो सुंदर सोनमर्ग, तो कल हम सोनमर्ग जा रहे हैं तो वहाँ अच्छा खाना खिला दूँगा मैं। ओके थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय।